आचार्य की दृष्टि से विरक्त श्रोमणि परम पूज्य वामदेव जी महाराज के द्वारा संस्थापित अखिल भारतीय संत समिति का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और अखिल भारतीय हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और समाज का एक जागृत और जिंदा सेवक हूं। अभी कुछ समय पहले कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र कहलाता है, कुरुक्षेत्र तो इसका स्थान का नाम ही है, लेकिन एकमात्र यह स्थान है जिसको पंचम वेद यानी महाभारत में धर्म क्षेत्र कहा गया है। और इस धर्म क्षेत्र में जहां विश्व का श्रेष्ठतम सदग्रंथ जो मानवता को धन्य करने वाला है और सृष्टि पर्यंत उससे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ इस सृष्टि में निकला नहीं ना निकलेगा, ऐसा स्वयं भगवान के श्रीमुख से उत्पन्न हुआ श्रीमद् भगवद् गीता जिसका यहां ही जन्म हुआ है, ऐसी धरती में अभी स्वनाम धन्य पूरे विश्व में अब एक जागृति करने वाले हनुमान जी की विशेष कृपा जिनके ऊपर है, ऐसे बागेश्वर बाबा यहां आए हुए थे और उनका यहां काफी अच्छा सत्संग का क्रम चला और उस सत्संग के क्रम में उनका जैसा एक स्वभाव है, एक तो अवस्था का भी होता है और दूसरे प्यार का होता है, भावना का होता है और तीसरे भगवत कृपा होती है, तो वो कहीं भी जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से कहते हैं पागलों, ये उनका एक बड़ा प्यार भरा शब्द है और हम संत लोग तो वैसे भी कहते हैं पागल, यानी जिसको गल मिल गई, गल यानी जिसको वास्तविकता की जानकारी हो गई, जिसको ये बात पता लग गई कि सच क्या है, उसको हम लोग उसका ही अर्थ लेते हैं। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा होगा कुरुक्षेत्र के पागलों, लेकिन इस समय जो चुनावी महापर्व चल रहा है, इस चुनावी महापर्व में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के संयुक्त प्रत्याशी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, एक ऐसी बात कही जो एकदम से हम लोगों को हिला गई। उसने सीधे कहा तू पागल तेरा बाप पागल। अब मैं ये कहना चाहता हूं संत के नाते, सामाजिक व्यक्ति के नाते, कि एक तो हमारी, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, इसमें मेरा आग्रह ना समझा जाए, मेरी इतनी उम्र में, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी उम्र की आप लोग कल्पना कर सकते हैं, भारतवर्ष को बहुत निकट से देखा, वेल क्वालिफाइड हूं और सब तरह से सब समझा है, लेकिन इतनी सातिर पार्टी जैसी आम आदमी पार्टी है और जैसे इसके लोग हैं, जैसे इसके मुखिया हैं, आज तक मैंने कोई भी भारत में पैदा होती नहीं देखी, जिसको हमारे सामने अभी कल इस पार्टी का जन्म हुआ और कल बेटे के सिर पे हाथ रखकर कसम खाने वाला, सब तरह की सब बातें करने वाला, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, और आज एकदम से उसका उल्टा आचरण है। जितने जीवन मूल्य हो सकते हैं, चाहे व्यक्तिगत जीवन मूल्य हो, चाहे सामाजिक जीवन मूल्य हो, चाहे राष्ट्रगत जीवन मूल्य हो, चाहे चारित्रिक जीवन मूल्य हो, चाहे नारी जाति का, स्त्री जाति का, मातृशक्ति का सम्मान हो, हर क्षेत्र में यह दल और इस दल का मुखिया खास तौर से महासातिर सिद्ध हुआ है, जो जनता को एकदम से मूर्ख समझता है और जनता की कमजोरी को बढ़ा करके उसको नपुंसक करके और अपनी सत्ता बचाए रखना चाहता है, जो शीश महल बना करके, सब आपको लगेगा मैं छोटी बात कह रहा हूं, 8.5 लाख का कमोड जो लगवाना चाहता है उसकी कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा होगी, आपको छोटी बात नहीं समझनी चाहिए, छोटी बात से ही व्यक्ति की पहचान होती है। हमें लगता था चलो ये पार्टी कैसी भी है लेकिन हो सकता है ये भला आदमी हो, यहां फंस गया बेचारा, लेकिन कल उसका स्टेटमेंट सुन के तो ऐसा लगा कि वो जैसे इसमें सब एक से एक बढ़ करके हैं। जब आप कहते हैं तू पागल तेरा बाप पागल, इसका मतलब उस व्यक्ति के हृदय में दूर दूर तक सनातन के प्रति, धर्म के प्रति, मानवता के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति दूर दूर तक उसके हृदय में सम्मान या श्रद्धा नहीं है, ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट होती है। और सातिराना अंदाज क्या है, आप जेल से छूट करके आते हो और वो भी कैसे छूट करके आए, ये इस देश की अपनी एक संवैधानिक परिस्थिति है कि इस तरह के निर्णय लेने पड़ जाते हैं, हो जाते हैं, कि जेल से कुछ दिन के लिए तुम निकल करके आते हो और क्या कहते हो, हनुमान जी की कृपा से मैं आ गया, और दूसरी ओर
आप किसी हनुमान जी के मंदिर के पुजारी को तो आपने आज तक एक नया पैसा नहीं दिया होगा। मस्जिदों के जो रखवाले हैं उनको आप सैलरी देते हो, उनकी सेवा करते हो, और दूसरी ओर कहते हो कि आपका बेटा हूं, हनुमान जी की कृपा से छूट करके आया हूं। यह जो जनता की नासमझी का, जनता की कमजोरी का शोषण करने की जो मनोवैज्ञानिक दुष्प्रवृत्ति है, यह इस पार्टी का बहुत ही घृणित चेहरा है। दूसरी एक बात और मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक जो कवि होता है उसका एक हृदय होता है। कुमार विश्वास जैसा कवि इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, और कुमार विश्वास ने एक समय कहा था कि यह पार्टी खालिस्तान से जुड़ी हुई है, और यदि नहीं जुड़ी हुई है तो वो कहें आकर के कि मैं नहीं जुड़ा हुआ हूं खालिस्तान से। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, मैं पत्रकारों से भी पूछना चाहता हूं, उस व्यक्ति ने क्या कहा, हां मैं आतंकवादी हूं लेकिन देशभक्त आतंकवादी हूं, मैं इन्हें स्कूल बनाने वाला आतंकवादी हूं, मैं ये करने वाला आतंकवादी हूं। इस तरह से जनता को गुमराह करने की मनोवृत्ति, खंडन तो नहीं किया, दूसरे ढंग से घुमा दिया। वहीं लवली सिंह कहता है कि एक स्कूल हाथ रख के बता दे कि ये मैंने बनाया है। तो ये जो विडंबना है, इस विडंबना से देश को बचाने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूं ये सरस्वती की कृपा है कि सरस्वती उसके कंठ में बैठ करके उसके छद्म वृत्ति को, उसके अंदर की वास्तविकता को उजागर करवा देती है। जब वो कहता है तू पागल, तेरा बाप पागल, और ऐसी स्थिति में तो हम सब पागल हो गए, क्योंकि बागेश्वर धाम का या बागेश्वर बाबा तो एक तरह से हमारे लिए, हम सब संतों के लिए बेटे के समान है। वो स्वामी राम भद्राचार्य जी का, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं, और हमारे लिए वो बेटे के समान है। तो यदि ऐसी बात है तो फिर वो भी पागल और हम सब भी, सब सारा संत समाज पागल हो गया। तो मैं कहना ये चाहता हूं, इसलिए हम लोगों को चोट लगी है इस बात पर। और एक बात अंत में कहूं, हम केवल भारत को बचाने के लिए, संत समाज के लिए या हिंदुत्व को बचाने की बात नहीं करते हैं। आप सब यहां प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, मैं फिलोसफी का स्कॉलर हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, इस धरती पर आज तक जितने आध्यात्मिक चिंतन विकसित हुए हैं, जितने पंथ मजहब विकसित हुए हैं, उनमें किसी में भी पूरे विश्व की मानवता को संभालने की सामर्थ्य नहीं है। वह सामर्थ्य केवल सनातन धर्म में है। इसलिए जब हम सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं तो हम पूरे विश्व की रक्षा की बात करते हैं, ये बात समझ लेना चाहिए। दूसरे मजहब का कोई व्यक्ति यदि संत यदि अध्यात्म उसकी बात करे, राजनीति की बात करे, तो वो अलग बात है, वो अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार राजनीति चलाना चाहते हैं। लेकिन भारत का साधु, भारत का सन्यासी, भारत का वैष्णव, भारत का कोई धर्माचार्य जब राजनीति की बात करता है तो उसका आग्रह यह है कि संविधान के अनुसार देश चले और उपासना अपनी अपनी रहे, ये हमारा आग्रह होता है। इसलिए हमारा बहुत सीधा सा दृष्टिकोण है कि सनातन जो अकेला ऐसा धर्म है जो किसी अंतःकरण से, किसी बुद्धि की उपज नहीं है, और मैं एक अकाट्य तर्क आपके सामने रखता हूं, बुद्धि किसी की भी हो, किसी की भी बुद्धि हो, वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए जो बुद्धि से पैदा हुआ मत होता है उसे संप्रदाय कहते हैं, और जो सृष्टि के साथ निर्मित धर्म होता है उसे धर्म कहते हैं। और सनातन धर्म केवल भारत में है, केवल हमारे आपके पास है। इसलिए हमारी गीता दो बार सर्वभूत हिते रताह की बात करती है। इसलिए हमारे श्री कृष्ण की योग की दृष्टि से भी कहते हैं, आत्मोपमेन सर्वत्र समम अर्जुन सुखम हुआ यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। यह हमारे श्री कृष्ण कहते हैं, निर्वैरा सर्वभूतेषु या समामेति पांडव। सब प्राणियों में दया, सब प्राणियों के हित की कल्पना, यह सनातन धर्म करता है। ऐसे हम लोग हैं, तो हम लोगों को किसी से कुछ पक्षपात पूर्वक लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से। ये तो एक भारत का सौभाग्य है कि एक दल ऐसा है जो अपना सिद्धांत एकात्म मानववाद बताता है, जो सनातन की बात करता है, जो राम का मूल्य समझता है। आप सब प्रबुद्ध जन बैठते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, कुत्ता पैदा होने के बाद कुत्ता होने के लिए उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्ली पैदा होके फिर बिल्ली होने के लिए उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य को पैदा होने के बाद मनुष्य होने के लिए कुछ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता?
बोलो भाई, उसे मनुष्य होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और वह मनुष्य होने की साधना, वह मनुष्य होने की प्रेरणा हमें राम से मिलती है, हमें कृष्ण से मिलती है, हमें महापुरुषों से मिलती है। इसलिए इन मंदिरों का भी की भी अपनी प्रासंगिकता है, जो सार्वभौम प्रासंगिकता है, जो हमें मनुष्य होने का संदेश देने वाली एक इनकी उपयोगिता है। इसलिए केजरीवाल कहते हैं मंदिर बेकार है, क्या मतलब है? कांग्रेस कहती है मंदिर राम तो हुए ही नहीं है, राम तो काल्पनिक है। राम सेतु, आप सोचिए कितने बड़े गर्व की बात है कि एकमात्र हमारे वह आध्यात्मिक धार्मिक पौराणिक और वैदिक मूल्य हैं जिनको विज्ञान के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है, ये हमारे मूल्य हैं, उसका हमें गौरव होना चाहिए। और राम सेतु जब होता है तो कांग्रेस उसको तोड़वाने का काम करती है, और ईश्वर की कैसी कल्पना है कि जितने जहाज वहां उसको तोड़ने जाते हैं वो सब स्वयं टूट जाते हैं, उसके बाद भी किसी को होश नहीं आता, और फिर भी राम की कृपा से आज एक सनातन को मानने वाली सत्ता यदि इस देश में खड़ी हुई है और पूरे विश्व मंच पर आज भारत सिर उठा करके खड़ा हुआ है। आपको मैं और एक बात याद दिला दूं, इसे अंतर नहीं कर रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के बाद आप जरा पत्रकार हैं, आप कल्पना करिए कि क्रमशः किसकी किसकी हत्या हुई, और उसके बाद 2014 तक भारत किस तरह से पंगु था विदेशी शक्तियों के आश्रय, ऐसा लगता है, स्पष्ट रूप से लगता है, आप चिंतन करना, मैं एक बिंदु छोड़ रहा हूं, स्पष्ट रूप से यह लगता है कि जैसे भारत की सत्ता यह चाहती थी कि हम दूसरे पर निर्भर रहे, भारत अशक्त रहे, और ऐसी स्थिति में कुछ लोगों के द्वारा हमारी दलालियां होती रहें, ये चाहते थे। जब से 2014 से हमारी सरकार आई तब से अब हम स्वयं हथियार बना रहे हैं, स्वयं हथियारों को हम दूसरे देशों को दे रहे हैं, यह आत्मनिर्भरता क्या देश में होनी नहीं चाहिए? और ऐसी स्थिति में वह लोग, वह दल जो केवल अपना घर भरना चाहते हैं, जो केवल अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं, और केवल जो जनता की मानवीय कमजोरी को पैदा करके उसका शोषण करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैदान में आने के बाद हमें जरा सबक सिखाना होगा। ये तो माँ भारती की कृपा है कि उसके कंठ में बैठकर उसकी वास्तविकता को उजागर कर देती है कि उसके मुंह से निकला तू पागल, तेरा बाप पागल, और उसकी सच्चाई, उसकी घृणा, उसके अंदर की वास्तविकता निकल गई और हम लोगों को आंदोलित कर गई। इसीलिए आज सारा संत समाज यहाँ पर उपस्थित है। मैं भी महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद गिरी निरंजनी अखाड़े की ओर से, अखिल भारतीय हिंदू महासंघ की ओर से, और अखिल भारतीय संत समिति की ओर से, और सारे संत समाज की ओर से घोर भर्त्सना करता हूँ। आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इस प्रत्याशी के इस कथन की घोर भर्त्सना करता हूँ, और उससे ये कहना चाहता हूँ कि भाई, जिस देश में रहते हो उस देश की संस्कृति को पहचानो, यह संस्कृति कालजयी है, विश्वजयी है, मानवता को उद्भावित करने वाली है, यही एकमात्र संस्कृति है जिसके आगे जो सारे विश्व को संभाल सकने का सामर्थ्य रखती है। तुम भारत के भारतीय होने का गौरव करो, और सीधे अपनी इन दुर्भावनाओं को छोड़ करके जो सनातन की तरफ चल रहे हैं उसी तरफ तुम भी चलो, इसी में हमारा कल्याण है। यह कहकर मैं और भी हमारे जो बंधु यहाँ विराजमान हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, वो भी अपनी बात रखें, और जनता जनार्दन से कहना चाहूंगा कि यह लोकमत का जो पर्व है, मतदान का जो पर्व है, बहुत सावधानी से इसका उपयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र की सिद्धि इसमें है जब देश की हर जनता बहुत अच्छी समझ रखती हो और अपनी समझ से वह ठीक प्रत्याशी का चुनाव कर सके। और सनातन लोक मांगलिक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। हम किसी के विरोध में नहीं है, हमारा सिर्फ मतलब इतना है सबका साथ सबका विकास, सब आगे बढ़े, संगच्छद्वम समवदद्वम, हम इसको मानने वाले हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यह हमारा सिद्धांत है। ओम शांति। एक बार सिर्फ मैं संत कुछ बोल ले, एक कानूनी प्रक्रिया में भी जाएंगे ताकि आगे से कोई ऐसा दुस्साहस ना करे हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ।
ऐसा है कि हनुमान जी की कृपा की जो बात की, उस छूटे हुए अपराधी ने, सब इस देश का हर बच्चा ये जान चुका है, हर व्यक्ति जान चुका है कि यह व्यक्ति जो, आप सोचिए कोरोना काल में जिस समय लोग मर रहे हैं, लाशें पट रही हैं, ऐसे समय में आपका शीश महल भी बन रहा है और ऐसे समय में आप शराब की नीति बना रहे हैं और ऐसे समय में आप शराब पीने की उम्र घटा रहे हैं, शराब पीने का समय बढ़ा रहे हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, देश की जनता से ये कहना चाहता हूं कि जरा अंदर की मानसिकता को समझने की कोशिश करें। और यह निश्चित है ऐसे लोग आतताई होते हैं और वो सुधर नहीं सकते किसी भी कीमत में, इसलिए उनको नजरअंदाज करना बहुत जरूरी है। और हरियाणा में आम आदमी का प्रवेश होना यह नासूर की तरह है, इससे हर व्यक्ति को जागृत रहना चाहिए। अब रही बात हनुमान जी की कृपा की, कहना हनुमान जी की कृपा तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसे व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा हो, लेकिन कहने में उसका क्या है। और वो वही मैंने कहा है कि हनुमान जी की कृपा कहना केवल उसका छल है, उसकी उसका सातिराना अंदाज है, ताकि जो हनुमान जी के भक्त हैं उनको लगे अरे भाई देखो देखो इसे तो हनुमान जी ले आए तो इसको हम भी देखें। अब रही बात की विदेशी शक्तियां और ये क्या है, इस पर यहां कहने की आवश्यकता नहीं है, जिस विशेष विषय को लेकर के हम यहां आए उसकी चर्चा कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपका है कि इसमें आप और आगे क्या करेंगे, और आगे बड़ी सीधी सी बात है कि अभी ये बात आई है तो अभी हमने ये कदम उठाया, ये प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और बात आएगी तो हम कोई कम है क्या। हम लोग देखो जी, हम लोग तो सन्यासी हैं, हमारा एक ही काम है, हम लोकार्पित व्यक्तित्व वाले, हम लोकार्पित जीवन वाले हैं, समाज के लिए जीना हमारा काम है, ना हमारे आगे पीछे कोई होता है, ना कोई परिवार होता है, हम तो सब छोड़ करके केवल राष्ट्र के लिए जीने वाले हैं, इसलिए जो जो सामने आएगा हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे, देश और राष्ट्र के लिए हम लोग समर्पित हैं, जैसी स्थिति बनेगी वैसे हम लोग भी सामने होंगे। मैं पूज्य राघवेंद्र भारती जी से निवेदन करूंगा कि वो कल के विषय में बातचीत करें, क्योंकि पूर्ण विषय आ गया लगभग। वंदे बोधमयम् नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चंद्रः सर्वतर्वन्दते। जय श्री राम। भारत माता की। मैं महामंडलेश्वर स्वामी राघवेंद्र भारती निरंजनी अखाड़ा टिकाना सत बाबा सावल शाह, बड़ा दुख का विषय है कि सुशील गुप्ता ने ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे सनातन प्रचारक के बारे में जो इतने निंदनीय शब्द कहे कि तू पागल, तेरा बाप पागल। सबसे पहले तो सुशील गुप्ता जी और कांग्रेस पार्टी इस बात का ध्यान रखें, अगर आप स्वयं सनातनी होते तो आप ये शब्द ही ना बोलते। पागल का अर्थ आपने जिस तरीके से निकाला है, पागल का अर्थ ये तो सनातनियों का अपने इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति एक भाव का शब्द भी है, भाव का ही शब्द है। भगवान शंकर जी ने भी ये कहा है कि जो व्यक्ति कथा नहीं सुनता, ग्रंथ नहीं सुनता, जो सनातन को नहीं जानता, वो इस प्रकार का व्यक्ति है कि जिस प्रकार एक बिल के अंदर सांप रहता है और पता नहीं वो कौन सी बिल से निकलेगा, उसकी उसकी जो सोच है, जो उसकी बुद्धि है, इस प्रकार की है। हमारे अनेकों शास्त्रों में बताया गया, हमने पढ़ा कि मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के लिए, वो उनका नाम मीरा बाई का नाम ही पागल रहा, क्यों, भगवान के भाव में, भगवान के प्रेम में पागल थे। शबरी जिन्होंने झूठे बेर भगवान को खिलाए, वो भाव था, वो प्रेम था। ये पागल शब्द और ये वो लोग बोल रहे हैं जो सनातन के सदा विरोध में, सनातन के सदा दुश्मन रहे, जिन कांग्रेसियों ने भगवान राम जो 500 वर्षों से टेंट में रह रहे थे, जो आज इस सरकार में प्रधान सेवक के
सरकार में हमारे भगवान राम आराध्य है अपने भवन में आए, जब पूरे देश के अंदर भगवान जी श्री राम जी के लिए निमंत्रण भेजे गए तो इन लोगों ने हमारे भगवान राम का निमंत्रण लेने से भी मना कर दिया। वो व्यक्ति जिनकी सोच, जिनकी बुद्धि, जिन्होंने जो हमेशा इस सनातन के विरुद्ध हैं, और ऐसे संत के बारे में जिन्होंने पूरे देश के अंदर विदेशों में सनातन के प्रति जो एक जागरूक अभियान चला रखे हैं, जिन्होंने सनातनियों को अपने सनातन धर्म के साथ, सनातन प्रेम के साथ जोड़ा है, ऐसे राम भद्राचार्य के परम शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जो ये शब्द कहे हैं, ये देश के सभी सनातनियों को दुख देने वाला शब्द है। उन्होंने शास्त्री के बारे में नहीं, हमारे सनातन धर्म के हर संत के बारे में ये जो शब्द कहे हैं, ये शब्द अच्छे नहीं है। सुशील गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी, उन्हें इस बात का ध्यान रहना चाहिए। उन्होंने केवल धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ये शब्द नहीं कहे, प्रत्येक संत, प्रत्येक सनातनी के बारे में कहे हैं। संत समाज आज इतना दुखी है इस शब्द को लेकर कि देखिए, हम सब सभी संत, कोई कहीं हरियाणा से, कोई दिल्ली से, कहां कहां से साधु एकत्रित हुए हैं, इसीलिए कि सब दुखी हैं। आप अपना घर संभालिए, अपनी पार्टी संभालिए, अगर आप सनातन के प्रति, सनातन के प्रति ऐसे शब्द कहेंगे तो देश का संत समाज, सनातन चुप रहने वाला नहीं। आप उस समय कहां थे जब देश के अंदर राम मंदिर की यात्राएं निकलती थी, जब यात्राओं के ऊपर पत्थर मारे जाते थे, उस समय आपके शब्द कहां थे? आज जो व्यक्ति, जो संत अपने सनातनियों को जागरूक कर रहा है, अपने सनातनियों के जो उनके भाव है भगवान के प्रति जो कह रहा है, और ये सच्चाई है कि जो जो सनातनी अपने भगवान के प्रति भाव रखते हैं वो पागल ही कहलाते हैं। हम हैं, हम भी, हमारे जो इष्ट है महादेव है, भगवान शिव हैं, हम भी अपने भगवान के पागल हैं, हमें भी। और पागल वो होता है जो मान सम्मान यश अपयश से दूर हट जाता है, अपने भगवान के प्रति वो पागल कहलाता है। आपके पागल कहने का अर्थ कुछ और है, और धीरेन्द्र शास्त्री ने अगर पागल कहा है तो उसका अर्थ उसके भगवान के प्रति भाव रखने वाले व्यक्ति, भगवान के प्रति प्रेम रखने वाले व्यक्ति, भगवान के प्रति लगन रखने वाले व्यक्ति का भाव है। आप अपनी इस दलगत राजनीति में, आप इस अपनी दलगत राजनीति में किसी सनातनी संत के बारे में अगर ऐसा कहोगे तो देश का संत चुप नहीं रहेगा। देश का संत जो है अपने सनातन के प्रति, जिन्होंने अपने परिवार ही छोड़ दिए, जिस संत का काम ही राष्ट्र सेवा है, जिस संत का काम ही सामाजिक सेवा है, जिस संत ने अपना जीते जी पिंडदान कर दिया हो, उसे आप क्या डराओगे या पागल कहोगे? मैं बस यही गुजारिश करूंगा कि मतदान 25 तारीख को प्रत्येक व्यक्ति अपना मतदान अवश्य करें, किसी के बहकावे में ना आए। सब जानते हैं, सबको पता है आज देश को किसकी जरूरत है। बौखलाए हुए लोग ही ऐसे कटाक्ष करते हैं। आप सभी अपना मतदान करें, अपने सनातन को मजबूत करें, और देश के साधु अपने सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देश के सभी सनातनी अपने संतों के साथ अपने सनातन प्रचारकों का साथ दें, और ऐसे जो व्यक्ति सनातन के विरुद्ध हैं, जो विरुद्ध थे, विरुद्ध रहेंगे, ऐसे लोगों का बहिष्कार हम सबको मिलकर करना होगा। सनातन धर्म अमर था, अमर है, अमर रहेगा। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, धर्मी जयकारे हारे हारे महादेव। अब मैं निवेदन करूंगा कृष्णानंद जी गिरी जी से, जो हिसार से आए हैं हमारे, वो पूर्ण परिचय के साथ अपनी बात कहेंगे 2 मिनट के अंदर। जय श्री राम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की। सदगुरु गीसा संत संप्रदाय से स्वामी कृष्णानंद जी, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय मंत्री के नाते स्टेज पर सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि नमन, और मीडिया के बंधुओं को भी कोटि कोटि प्रणाम। आज ये जो विषय है, इसमें एक नव युवक, एक युवा साधु
युवा संत और हमारा युवा साथी भी है, जो इस संस्कृति को, इस सनातन को जगाने का काम करता है, उनके एक एक प्रोग्राम के अंदर 5-5, 10-10 लाख युवा साथी, युवा समाज और भगतगण इकट्ठे होते हैं, जिनको इस संस्कृति से जगाने का काम, राम से जोड़ने का काम, हनुमान जी से जोड़ने का काम और नशो मुक्ति से दूर करने का काम जो एक युवा संत कर रहे हैं, और उसके बारे में हम, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे इंडी गठबंधन हो, एक ऐसा काम कर रहे हैं जो घिनौना काम किया है कि उसको और उसके माँ बाप को भी गाली देने का काम किया है, अभद्र भाषा प्रयोग करने का काम किया है। तो कबीर साहब महाराज कहते, जननी जने तो सात जन, कह दाता कह सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। तो उसके माँ बाप तो बड़े सौभाग्यशाली है जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, ऐसे संत को जन्म दिया है जो इस देश को, इस संस्कृति को जगाने का काम करता है। तो भाई, इस सनातन को अगर अखंड रखना है तो हमारे को ये जो 25 तारीख का और 1 तारीख का पर्व जो है, इसके ऊपर वो चोट मारनी है जो सनातन को अखंड रखने का काम करे। क्योंकि आप सभी बुद्धिजीव लोग बैठे हैं और आपने विचार किया होगा, हमारे पूर्वजों ने भी देखा है, आपने भी देखा है, 500 वर्ष के बाद राम लल्ला अपने टेंट से और अपने भवन के अंदर विराजमान हुए हैं। तो इसको लाने का काम किसने किया? उस प्रधान सेवक ने किया जो इस देश के लिए 20-20 घंटे काम कर करके अपने आप को न्योछावर करने का काम करते हैं। तो वीरो, ये अवसर अपने को मिला है, ये समय अपने को मिला है इस टाइम, क्योंकि ये सनातन को खत्म करने के लिए एक योजना जो बनी हुई है। अभी महाराज जी चर्चा कर रहे थे तो दिल्ली के अंदर जो चर्च है, दिल्ली के अंदर जो मुसलमानों के हैं, वहां पर 10-10 हजार रुपए देने का एक पादरी को, इनको काम करते हैं आप वाले, तो आपने 18-18 हजार रुपए, तो क्या सनातनियों को देने का किसी ने काम किया है? नहीं किया। तो इसलिए हमारे को ये विचार करना जरूरी है कि ऐसा जो अवसर अपने को मिला है, ये 25 तारीख का, 1 तारीख का जो पर्व अपने पास है, ये प्रधान सेवक के ऊपर मोर मार करके, और इस राम लल्ला को ऐसा ना हो कि डी गठबंधन वाले बार बार कह रहे हैं कि हो सकता है हमारी सरकार आए तो हम राम लल्ला को वापस वहीं भेज दें। तो ऐसे काम से बचने के लिए महापुरुषों से भी प्रार्थना है, डट करके ऐसी अभद्र भाषा का जो प्रयोग करते उसके लिए आंदोलन, और समय समय पर जीवों को चेताने का काम करना चाहिए, क्योंकि ये अवसर हमारे पर बार बार नहीं आता। अगर हमने अगली अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित करना है तो वीरो, सोच विचार करके ये काम करना है, क्योंकि अगली पीढ़ी अगर ऐसा सिस्टम चेंज होता है तो बड़े खतरे के अंदर आ जाएगी, जो पिछला समय हमने देखा है और आने वाला जो 10 साल का समय देख रहे हैं। इससे आने वाला समय अगर अपना होगा, इस प्रधान सेवक का होगा, तो इस देश की दिशा और दशा बदल जाएगी और ये राष्ट्र जो है बिल्कुल हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म अखंड हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जी, अब मैं कैथल से आए अपने पूज्य संत से प्रणाम करता हूं और उनसे निवेदन करूंगा, रमनपुरी जी से, कि इनके बाद सिर्फ एक संत और कहेंगे, बाकी फिर उसके बाद हम प्रश्नों का, सभी का प्रश्न लेंगे। ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विजयते त्राम, भारत माता की जय हो, जय श्री राम। यह जो विषय है आज, जिस कारण संत समाज यहां एकत्रित हुआ है, यह बड़ा निंदनीय शब्दों का उच्चारण किया गया है, और इसमें संत समाज हमारा पूरे भारतवर्ष का, सनातन जितने भी जो भारत माता को मानते हैं, पूजते हैं, इस मातृ शक्ति को, इस भारत भूमि को अपना सर्व सर्व न्योछावर करने वाले हैं, वो सनातन के खिलाफ कभी ना बोलते हैं और ना ही सुनते हैं। तो हम लोगों को, संतों को, ये बड़ा एक अखेद लगा जैसे मालूम पड़ा कि भी हमारी संतों में आपस में चर्चा हुई कि भी ऐसे तो चुनाव के माहौल पे कोई भी कुछ भी बोलेगा तो आम जनता पे उसका बहुत गलत असर पड़ेगा और हमारा समाज गलत दिशा की ओर चला जाएगा। क्योंकि साधु संत एक समाज के एक ऐसे मार्गदर्शक हैं, इनकी एक भूमिका ऐसी है, ये समाज को जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं है। हम लोग यार किसी राजनीतिक उद्देश्य से इकट्ठे नहीं हुए, हम लोग सिर्फ अपने धर्म की, अपने देश की मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे सभी संतों से भी ये निवेदन है, हम किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को,
कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। हम सपोर्ट करते हैं सच्चाई को, हमारे देश की धरोहर को, जो कि हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा अपने जीवन काल में समर्पण रहते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग खड़े होते हैं। और अपने जीवन की हर हमेशा एक यही मनोकामना रहती है कि हमारा समाज एक साथ होकर के चले और ये भारत देश हमारा उन्नति करे। इस उन्नति करने के मार्ग में एक असुरी सत्ताओं का प्रभाव जो होने जा रहा है उस पे हम लोगों को एकजुट होकर के रोकना पड़ेगा उनको, नहीं तो वो कल को आने वाले समय में हमारे समाज के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए, बहन बेटियों के लिए एक ऐसी विडंबना बन जाएगी कि हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मेरा सभी से, संतों से भी अनुरोध है कि ये जो विवाद किया है शब्दों का कि भी तेरा बाप पागल तू पागल, इन शब्दों से कुछ भी होने वाला नहीं है, ये एक बुखलाहट है। आप पढ़े लिखे सामाजिक व्यक्ति हो, आप सुनते होंगे हमारी इस बात को, आपको बिल्कुल भी ये शोभा नहीं देता। आप समाज को जोड़ने की कोशिश करें, आप अपनी योग्यताओं पे बात करें, आप समाज के जो त्रुटियां हैं जिन चीजों को उनको बात करें। साधु सन्यासी तो सनातन धर्म के पैदाइश है और उसी में ही निकले हैं, उसी में मर जाएंगे, परंतु उसके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। और ना ही अपने जितने भी हमारे भारतवर्ष की जनता है, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि सबसे पहले देश सुरक्षा है, हमारा देश सुरक्षित होगा तो हमारी महंगाई सस्ती की जो चीजें हैं, जो भी जितनी भी परेशानियां हैं, वो सब समय के साथ समाधान होगी, परंतु हमें सुरक्षित होना सबसे पहले जरूरी है। इन सब बातों के साथ भारत माता की जय हो। हेलो, ओम। महंत ईश्वरदास, षड दर्शन साधु समाज महासचिव हरियाणा और उदासीन संप्रदाय से संबंधित हूं। ये जो संत समाज आज यहां इकट्ठा हुआ है, आपने भली भांति सुन ही लिया कि ये जो शब्द उच्चारण किए गए हैं, जो सनातन धर्म के प्रचारक हैं, हमारे हनुमान जी के भक्त हैं, सनातन का प्रचार बाखूबी कर रहे हैं, केवल देश में नहीं दूसरे देशों में भी, उनके प्रति ऐसे शब्द उच्चारण करना ये उस व्यक्ति की मानसिकता प्रकट करती है कि वो कैसे विचारों का व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो कैसा स्वयं है, वो और आगे चल करके वो देश को क्या दिशा देगा। जो यहाँ इलेक्शन में खड़ा हुआ है लोकसभा कुरुक्षेत्र से, वो क्या दिशा निर्देश देगा? क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उसको कुछ प्राप्त होने वाला है? ऐसा कुछ भी उसको प्राप्त नहीं होगा। और पागल कहना उनके साधारण शब्द हैं, उन्होंने यहां केवल प्रयोग नहीं किया कि हरियाणा के पागलों, कुरुक्षेत्र के पागलों, वो उनका स्वभाव है, वो जहां भी जाते हैं पागलों मानो उनका अभी पूर्ण रूप से विस्तार पागल का, कि जो शब्द को पाले, जो बात को पकड़ ले, उसको कहा है पागल, यानी जो गल को, यानी शब्द को, बात को पकड़ गया, गल को पा गया, वो साधारण है उनके लिए कहना। और वो हर सभा में बोलते हैं, कोई ये तो है नहीं कि ये उन्होंने आकर के हरियाणा में बोला। और हमारा तो सौभाग्य था, हम तो मान रहे थे कि आज वो कुरुक्षेत्र में आए, सब खुश हैं, केवल वही लोग खुश नहीं है जो सनातन धर्म को मानते नहीं, या सनातन धर्म की मानते नहीं, जो सम्मान नहीं करते। इसलिए मैं अधिक ना कहता हुआ इतना ही कहूंगा कि तू पागल, तेरा बाप पागल, ये शब्द न जाने कहां से वो लेकर के आए, ये निंदनीय शब्द है। साधु समाज इसकी निंदा करता है और करता रहेगा, और कठोर कार्रवाई पे हमें उतरना भी पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। षड दर्शन साधु समाज हरियाणा उसके लिए तैयार है। हरिओम, शांति शांति शांति। बस एक निवेदन और, पानीपत से हमारे संत आए हैं, मैं उनसे बोलूंगा कि वो अपना परिचय भी करा दें। श्रीनाथ जी, भारत माता की। देखो, ना तो कम लोग बैठे हो और ना ही कमजोर लोग बैठे हो, सब सभ्य लोग बैठे हो, और ना ही सताए हुए लोग बैठे हो और ना ही दुखी मन से आए हुए लोग बैठे हो। आक्रोशित हो, आंदोलित हो, इसलिए यहां पर बैठे हो। और जो आक्रोशित होता है उसकी वाणी में जोर होता है, और जिसकी वाणी में जोर नहीं होता
वह ना तो आंदोलित होता है ना आक्रोशित होता है, जबरदस्ती बिठाया होता है। और जो जबरदस्ती बैठा है वह जा सकता है, और जो यहां पर आंदोलित होकर के बैठा है उसकी वाणी के अंदर जोर भी होना चाहिए। और हम भारत माता के वीर सपूत हैं, भारत माता की जय जयकार हो। और बालक बच्चा उसका ना बोले तो या तो वो भारत माता का सपूत नहीं, आगे की बात आप लोग जानते हैं कि वो किसका सपूत हो सकता है। भारत माता की वास्तविकता पत्रकारों का हम सम्मान करते हैं। बड़ी देर से मैं आप लोगों को देख भी रहा हूं कि आप हमें सहन कर रहे हैं, आप हमें सहन कर रहे हैं, आपकी सहनशीलता का हम परिचय करते हैं। लेकिन ध्यान देना, जिस विषय के लिए आप और हम यहां पर आए हैं, एक महापुरुष ने पागल कह दिया, पागल की विवेचना आप लोग किसी भी तरह से कर लें, लेकिन आम भाषा में पागल कह दिया जाए तो पागल शब्द से चिढ़ता कौन है? जो स्वयं पागल होगा, जो स्वयं को पागल समझता होगा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार ने पागल कहा, और एक व्यक्ति जो किसी पार्टी से संबंध रखता हो उस व्यक्ति को बुरा लगा, और वह केवल उन्हीं को पागल नहीं कहता, पिता तक पहुंच जाता है। ध्यान देना, हम जितने संत यहां पर बैठे हैं कोई मूर्ख नहीं है। पागल कहा, कह देता, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सब भाई हैं, लेकिन बात जब पिता तक पहुंचती है तो सम्मान को ठेस लगता है। इसलिए हम आंदोलित हैं, आक्रोशित होकर के यहां पर आए हैं। ऐसे व्यक्ति को नाम सुशील गुप्ता गुप्ता कहने के लिए भी हमें शर्म आती है, क्योंकि जो बाणिया हो और वह साधु महापुरुष ब्राह्मणों का सम्मान ना करता हो वो बाणिया नहीं हो सकता। और जो बाणिया है वो सम्मान भी करेगा, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखेगा। साधु समाज आज आंदोलित है, आक्रोशित है। और बात आई थी कोर्ट तक जाने की, आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट क्या उससे ऊपर भी जाने का प्रयास करेंगे। ये तो गनीमत है कि केवल यहां प्रेस वार्ता के लिए आप और हम यहां पर उपस्थित हुए हैं, आवश्यकता पड़ी तो घेराव भी करेंगे। और ध्यान देना, आवश्यकता पड़ी तो हम लोग घेराव भी करेंगे। और आंदोलित होकर के आप और हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। संत समाज को मैं नमन करता हूं और आप लोगों को भी नमन करता हूं ऐसी पावन धरा पर, जहां पर आप सब लोग नतमस्तक हैं। मैं आपको नमन करता हूं। वंदे भारत मातरम। सभी संतों को नमस्कार। स्वामी जी, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि इतनी क्या नौबत आ गई कि हमारे संतों को, संत समाज को, राजनीति को ऐसी दशा दिखानी पड़ गई? आपने कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के बारे में बात करी है, अभी बीजेपी की तरफ से भी भगवान जगन्नाथ जी के बारे में कोई कल परसों चर्चा हुई थी, माफी मांगी थी। अच्छा होता सभी को कॉमन दृष्टि से बात होती। नारायण, ऐसा है जी, हम लोग उपदेशक हैं, साधु हैं, हम लोगों का बाना ही लोकार्पित है। तो ऐसे में केवल ऐसा नहीं कि राजनीति हमारे लिए अछूत है। आप जरा देखें, हमारे जितने इष्ट हैं, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो, सभी राजा थे, कौन राजनीति से बाहर थे? पूरे देश में किसी भी दिशा में कहीं भी यदि मानवता को हानि हो रही है तो हमारा सतर्क होना ये हमारा कर्तव्य बनता है। अब इसमें हम क्यों आ गए? इसलिए आ गए, अभी तक चुप थे हम, तो अभी तक सिर्फ इतना ही कहते थे कि देखो
ये भला आदमी बेचारा कहां पहुंच गया। लेकिन जब ऐसी बात आई तो हम लोग जरा दूसरी बात देखते हैं। हम लोग बड़ी बातों पर उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि बड़ी बातें तो बड़ी बातें हैं, छोटी बातें व्यक्ति के की वास्तविकता को ज्यादा उजागर करती हैं। अपनी सभा में, अपने घर में हैं, वो जो हमने वीडियो देखा, ऐसा लग रहा था उनका कहीं अपना, वहां यदि ऐसा निकलता है तो वो उसके अंतर मन की बात है। तो उस अंतर मन की बात जहां है, फिर और हम इतने लंबे समय से देश में देख रहे हैं, जो और बहुत सारी बातें देख रहे हैं, जो और सारा, एक और व्यक्ति हनुमान जी की कृपा से निकल करके आया है और दूसरी ओर हनुमान जी का भक्त जो स्पष्ट है, आप भी दिल से यही मानोगे कि धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी के भक्त हैं, उनके ऊपर हनुमान जी की ही कृपा है, तो हनुमान जी के एक पार्षद के प्रति ऐसी घृणा भी है, ये विरोधाभास नहीं है। तो इस विरोधाभास से जनता जनार्दन को सचेत करना, यह हमारा कर्तव्य है, और अपने कर्तव्य का निर्धारण करने की हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत स्थिति होती है, व्यक्तिगत विवेक होता है, हम उस विवेक से प्रेरित होकर के आए। और जी, आप इतनी देर से झेल रहे हैं, देखिए कोई और प्रश्न हो जी। दीदी, वोट किसे? भरोसे को। मतलब